हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी शर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। और अब एक पीजीटी कॉमर्स वालों के अक्टूबर के अंदर एग्ज़ाम है, तो उनकी मैं पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवा रही हूँ। जो आपका सिलेबस है उसके अंदर बहुत सारे, जैसे कि बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हो गई है, कन्वेंशंस हैं या रूल्स रेगुलेशंस हैं, जो भी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो जो भी हमारे न्यू व्यूअर्स हैं उनको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दूंगी, आप उस लिंक से डायरेक्ट मेरी सारी क्लासेस के अंदर जा सकते हो। लेकिन जो हमारा अभी 20% सिलेबस मैं आपको ऑलरेडी करवा चुकी हूँ, जैसे कि कॉस्ट अकाउंटिंग के कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए हैं हमारे, तो अब मैं आपको पूरे का पूरा सिलेबस करवाऊंगी पीजीटी कॉमर्स वालों का, जो भी एचएसएससी का आपका एग्ज़ाम है। तो आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस। हमारा ऑलरेडी कैश बुक हो चुका है, सब्सिडरी बुक्स हो गई हैं, जनरलाइजिंग एंट्रीज हो गई हैं, लेजर्स हो गए हैं, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं ट्रायल बैलेंस। और पूरा कॉन्फिडेंट होके मैं बोल रही हूँ कि मैंने आपको पूरे का पूरा सिलेबस करवाना है, लेकिन उसके लिए मुझे आपका सपोर्ट चाहिए कि आप जितना ज़्यादा वीडियो को शेयर लाइक सब्सक्राइब करोगे तो उतना ही ज़्यादा आपसे मोटिवेशन मिलती है। तो लेट्स स्टार्ट, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए, कि ट्रायल बैलेंस क्या होता है। बच्चे, ट्रायल बैलेंस एक तरह की बुक कीपिंग वर्कशीट है। बुक कीपिंग मीन्स कि पूरी एक्यूरेसी को ध्यान रखना, कि लेजर आपके जो बने हैं क्या वो लेजर अर्थमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है। तो ये एक सिर्फ और सिर्फ बुक कीपिंग वर्कशीट है, इसको आप एक स्टेटमेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। बट ये लेजर नहीं है, ये अकाउंट्स नहीं है। तो आप बोल सकते हो कि इट इज ए स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि क्या ये स्टेटमेंट है या अकाउंट है, तो आप बोलोगे ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, ठीक है। क्यों? और इसके अंदर ये एक बुक कीपिंग वर्कशीट है जिसके अंदर हम लेजर के जो बैलेंसेस निकाले थे, हमने लेजर के बैलेंसेस निकालने सीखे थे। इस तरह से हमारे लेजर के बैलेंसेस थे कि डेबिट साइड क्रेडिट साइड के अंदर, कि डेबिट साइड बैलेंस बन रहा है या क्रेडिट साइड के अंदर हमारा बैलेंस बन रहा है, तो वो चीज़ हमने निकालनी सीखी थी। तो उन बैलेंसेस, जो लेजर के बैलेंसेस है, उनकी हेल्प से ट्रायल बैलेंस बनता है। आई होप ये पॉइंट आपको समझ आ गया होगा। और बैलेंसेस कौन से होने चाहिए? या तो डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। और ट्रायल बैलेंस से जो भी बैलेंसेस निकलेंगे वो हमेशा इक्वल होंगे। अगर वो इक्वल नहीं है तो इट मीन्स आपकी लेजर के अंदर कहीं ना कहीं अर्थमेटिकली मिस्टेक हुई है, ओके। अब रूल्स क्या हैं? कि रूल्स, सबसे पहले हम फॉर्मूला कर देते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला होता है कि हमेशा ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड जो है वो क्रेडिट साइड के इक्वल होगा। नेक्स्ट वन है रूल, एसेट का हमेशा बैलेंस डेबिट साइड होगा, लाइबिलिटीज का बैलेंस क्रेडिट साइड होगा। आई होप आपको डेबिट साइड क्या होता है, क्रेडिट साइड क्या होता है, ये मालूम होगा। अगर आपको नहीं मालूम है तो इसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसे आप चेक कीजिए कि डेबिट क्रेडिट की जो मेरे पास वीडियोज हैं उन वीडियो से आप डायरेक्ट मेरी क्लास के अंदर जा सकते हो, जिसमें मैंने बहुत डीपली समझाया है कि व्हाट इज द डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट। लाइबिलिटीज का क्रेडिट बैलेंस है। नेक्स्ट वन है इनकम्स एंड गेन्स, उसका भी क्रेडिट साइड होगा और एक्सपेंसेस का डेबिट साइड होगा, ठीक है। तो इस रूल के बेस पे ही हम ट्रायल बैलेंस के अंदर चलेंगे। नेक्स्ट वन है कि कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं कि ट्रायल बैलेंस इज ए स्टेटमेंट, नॉट एन अकाउंट। अकाउंट के अंदर हम डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो करते हैं, जबकि आपका ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट को प्रोवाइड करवाता है, एक बुक कीपिंग वर्कशीट है जो कि सिर्फ और सिर्फ एक्यूरेसी को चेक करता है, ये डबल एंट्री सिस्टम के रूल को फॉलो नहीं करता है। सो इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, कि एक अकाउंट को अगर आपने डेबिट किया है तो दूसरे को क्रेडिट, ऐसा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ लेजर के बैलेंसेस को अपडेट करता है, इंफॉर्मेशन डालता है। नेक्स्ट वन है इट हैज टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी। अर्थमेटिकल मीन्स मैथमेटिकली ये एक्यूरेसी को चेक करता है, और ये एक पर्टिकुलर डेट को ही बनाया जाता है, चाहे वो क्वार्टरली हो, मंथली हो या एनुअली हो। जो भी डेट होगी वो आप, ये हमारा फॉर्मेट है वो भी अभी समझाया जाएगा, और इस फॉर्मेट के अंदर यहाँ पे आप डेट को मेंशन करते हो। मान लीजिए आप, हम
हमेशा 31 दिसंबर 2000 मान लीजिए 22 को आपने ट्रायल बैलेंस ड्रॉ किया है तो वो आप बना देते हो, डेट लिख देते हो। नेक्स्ट वन है, इट इज एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज ओनली प्राइम फेशिया। प्राइम फेशिया मीन्स ये एक एविडेंस है कि जो भी हमने लेजर के बैलेंसेस बनाए हैं, लेजर के बैलेंसेस की हेल्प से हमने ट्रायल बैलेंस को बनाया है, और ये एक एविडेंस चेक करता है कि क्या जो लेजर्स हैं वो सही बने हैं या नहीं है। अर्थमेटिकली ये एक्यूरेसी को चेक करता है। बट इसको भी हम एक सॉलिड प्रूफ के बारे सॉलिड प्रूफ मान के नहीं चल सकते हैं, ठीक है, ये बात आपकी ध्यान में होनी चाहिए। नेक्स्ट वन है, ये एक लेजर की समरी बता देता है लेजर के, कि जैसे बैलेंसेस आते हैं तो कौन सा एसेट के अंदर, मान लीजिए मशीनरी का बैलेंस आपका डेबिट आया है तो आप डेबिट बैलेंस शो कर देते हो, ठीक है, आपको कोई इनकम रिसीव्ड हुई है उसका बैलेंस क्रेडिट है तो आपको क्रेडिट बैलेंस शो हो जाएगा। तो शॉर्ट के अंदर सारे जितने भी अकाउंट्स हैं आपको लेजर के सारे अकाउंट्स चेक ना करके आप ट्रायल बैलेंस से सीधा आप बैलेंसेस लेजर के चेक कर सकते हो। तो ये एक शॉर्ट फॉर्म है ऑल लेजर्स की। इट हेल्प्स टू फैसिलिट प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स। बच्चे फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को हम फाइनल अकाउंट्स बोल देते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स को बनाने के लिए भी ट्रायल बैलेंस की हेल्प से ही फाइनल अकाउंट बनता है, क्योंकि हमें सबसे पहले ये देखना होगा जो बैलेंसेस डालने हैं फाइनल अकाउंट्स में, जैसे कैपिटल का बैलेंस है, ड्रॉइंग का बैलेंस है, एसेट्स का, लाइबिलिटीज का, वो बैलेंसेस हमें लेजर की हेल्प से मिलते हैं। लेजर में क्या अर्थमेटिकली बिल्कुल करेक्ट है या नहीं है वो चेक करने के लिए हमें ट्रायल बैलेंस को बनाना पड़ता है। ट्रायल बैलेंस की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी इक्वल हो गई है, डेबिट का बैलेंस क्रेडिट से इक्वल हो गया है, तो हम श्योर हो जाते हैं कि लेजर्स जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, और उसके हेल्प से हम अपना फाइनल अकाउंट्स को बना देते हैं। फाइनल अकाउंट्स बोल दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल दो, या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोल दो, सेम बात है। ये साथ के साथ एक यूजफुल इंफॉर्मेशन देता है मैनेजमेंट को, कोई भी डिसीजन मेकिंग पावर लेनी है या आगे जो फाइनल अकाउंट्स मेंटेन करने हैं उसके लिए भी बहुत सारे पॉइंट्स के अंदर की लेजर्स की एक्यूरेसी को चेक करने के लिए भी ट्रायल बैलेंस को मेंटेन किया जाता है। तो ये मैनेजमेंट के लिए हेल्पफुल है कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। अब ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट के बारे में आ गया है। फर्स्ट वन होता है सीरियल नंबर, कि कौन सा नंबर चल रहा है पर्टिकुलर इसके अंदर, कि आपका एसेट बैलेंस है, लाइबिलिटीज अकाउंट है, या इनकम गेन्स है, लॉसेज है, एक्सपेंसिज है, तो वो सारा पर्टिकुलर्स के अंदर लिखा जाता है। लेजर फोलियो, आपको ध्यान होगा जैसे लेजर फोलियो के अंदर यहाँ पे एक कॉलम होता है जिसके अंदर आपको पेज नंबर लिखा होता है कि लेजर कि ये जो मैंने एंट्री की है वो लेजर के अंदर कौन से पेज पे है। इधर हम JF लिख देते हैं, जनरल फोलियो, कि इस ये जो एंट्री की है वो जनरल में किस पेज नंबर पे है। ट्रायल बैलेंस में हमने मान लीजिए यहाँ पे लिख दिया है एसेट कोई भी लिख दिया है, मान लीजिए बैंक का ही बैलेंस लिख दिया, तो बैंक का बैलेंस लेजर में कौन से पेज पर है वो हमारा लेजर वाला पेज नंबर यहाँ लिखा जाता है, ठीक है। फिर अमाउंट्स, अगर लेजर का डेबिट बैलेंस है तो आप डेबिट में लिख दोगे, क्रेडिट बैलेंस है तो आप क्रेडिट में लिख दोगे, वो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है, लाइबिलिटीज का क्रेडिट, इनकम एंड गेन्स का क्रेडिट, और एक्सपेंसेस का डेबिट होता है। और लास्ट के अंदर जब आप इसका टोटलिंग करते हो तो वो इक्वल होता है। अब मेथड्स क्या हैं, टू टाइप के मेथड्स हो जाते हैं, एक ग्रॉस मेथड है और एक नेट ट्रायल बैलेंस मेथड है। तो ग्रॉस मेथड से अलग तरह से कैलकुलेशन होते हैं जो कि बहुत इजी है, और नेक्स्ट वन है नेट ट्रायल बैलेंस जो कि हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं नेट ट्रायल बैलेंस मेथड को। तो ये आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आज मैंने सिर्फ बेसिक कुछ पॉइंट्स थे ट्रायल बैलेंस के वो बताए हैं। अब जो मेथड्स हैं विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर मिलेंगे। अगर आपको क्लास पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।